आज हम बनाएंगे बिना तड़के वाली खट्टी भिंडी। ये देखिए, देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसमें हम कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे, इसे हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। नमस्कार, किचन की एबीसीडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खट्टी भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने पहले धो लिया है। उसके सूखने के बाद उसे बारीक बारीक काट लिया है। आप इसे अपनी पसंद से कैसा भी काट सकते हैं। इसमें लेकिन कोई भी हार्ड भिंडी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसी के साथ मुझे चाहिए आमचूर पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लोकल आमचूर पाउडर यूज़ किया है। आप कोई भी आमचूर पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इमली का पानी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ हमें चाहिए नमक, धनिया पाउडर, जीरा, मिर्ची, हल्दी पाउडर और कुछ दाने मेथी के। मैंने यहाँ पे साबुत मेथी यूज़ की है। आप इसमें क्रश्ड मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम इस भिंडी में कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे, कोई भी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। शुरू करते हैं बनाना खट्टी भिंडी। खट्टी भिंडी बनाने के लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैं अपनी सभी कटी हुई भिंडी डाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें अपनी सभी कटी हुई भिंडी डाल दी है। इसमें मैंने कोई तेल, कोई मसाला, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ अभी प्रेशर कुकर में डाली है भिंडी। अब डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मिर्ची पाउडर। ये देखिए, इसमें हमने डाल दी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और कुछ दाने मेथी के। ये देखिए, हमने इन्हें डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। आप नमक, आमचूर पाउडर अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा गिलास 3/4 गिलास पानी का डाल रही हूँ। मैंने इसे देखिए पूरा नहीं भरा है, ये 1 छोटा गिलास है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, मैंने पूरा गिलास इसमें डाल दिया, ये 3/4 गिलास पानी का था। अब हम इसे बंद करके प्रेशर कुकर को गैस पे 2 विसल लगाएंगे। हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है अभी, बस हम इसे इसी तरह से गैस पे 2 विसल लगाएंगे। देखिए, अब कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, हमारी भिंडी अब 2 विसल के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने इसमें आधी कड़छी से कम सरसों का तेल यूज़ किया है, मतलब 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। और इसे अब मैं अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिला रही हूँ। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिला लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच राई पाउडर, जिसे अक्सर हम अचार बनाने में भी यूज़ करते हैं। अब हम इस राई पाउडर को भी अच्छे से अपने भिंडी में मिला लेंगे। देखिए, मैं इसे किस तरह से मिला रही हूँ। हमें सरसों का तेल और राई पाउडर जो है उसे अच्छे से मिला लेना है भिंडी के साथ। ये देखिए, ये सब कुछ अच्छे से मिल चुका है। देखिए, अब हमारी भिंडी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम अपनी भिंडी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं, तो हम इसमें ऊपर से अब थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे। देखिए, इस तरह से प्याज से भिंडी देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, मैंने इस तरह से इस पे थोड़े से प्याज ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये देखिए, हमारी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये। इसे बनाना जितना आसान